नमः श्री चैतन्य मूर्ति रूप कदा वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत रूपम शाग्र जातम सहगण रघुनाथम वीतम एवं साधु भवतम परिजन श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण श्री शाखा ओम विष्णुपतये कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते शाश्वती देवी गौरवाणी कृष्णारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा का सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे विश्व नमामि हरि कांच कर्तरु यश पतितानां पावन हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम आप अपने आप को म्यूट रखेंगे, आपसे निवेदन भी है ओके कि आप अपने आप को म्यूट रखिए। मेरा निवेदन है आपसे दोनों हाथ जोड़कर प्लीज, ठीक है? जब आपको बोलने के लिए कहा जाए तो आप बोलिए, बोलने के लिए समय दिया जाता है ना। समझ आऊंगा लेकिन प्लीज म्यूट रखिए। जय श्री श्री राधा माधव की भाई का प्रमाण दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमती राधा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, एक और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो सभी भक्तों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि कल के श्लोक का डिस्कशन एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल गया होगा, और मैं थोड़ा सा विलंब हूँ इसके लिए क्षमा चाहूँगा। कुछ टेक्निकल इशू भी आ रहे थे इस वजह से थोड़ा विलंब हो रहा हूँ, और आज यूट्यूब पे भी लाइव नहीं है क्लास, सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकल इशू की वजह से सिर्फ और सिर्फ हम लोग गूगल मीट पे ही है। बट हम लोग प्रयास करेंगे कि रिकॉर्डिंग जो है बाद में डाल दिया जाए। तो आज कौन सा श्लोक है? 7.3 प्रभु। 7.3 बहुत अच्छा श्लोक है, वेरी नाइस श्लोक। तो श्लोक आपके सामने दे रहा हूँ, लोग दिख रहा है, पोस्ट भी कर दीजिए। शालु प्रभु आप आए हैं तो ये आपकी सेवा है, और मुझे इसके लिए आपको बार बार ऑलरेडी पोस्ट कर चुका है। यस गुड, श्लोक दिख रहे हैं सभी को, क्लियर है? जी प्रभु। यस प्रभु जी। एक भक्त मेरे साथ उच्चारण करेंगे और फिर जिनको बाद में पढ़ना हो बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है? मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, कश्चित्येतति सिद्धये, कश्चित् माम् वेति तत्त्वतः,
कश्चित् माम् इति तत्त्वतः कश्चित् माम् वेति तत्त्वतः कश्चित् माम् वेति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये तामपि सिद्धानां कश्चिनां कश्चित् माम् वेति तत्त्वतः प्रभु आपको बाद में पढ़ने के लिए मौका दिया जाएगा। ये भी एक भक्त रिपीट करेंगे, ये ऐसे सब लोग आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को म्यूट करके पढ़ने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चित् माम् वेति तत्त्वतः श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 3 मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चित् माम् वेति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चित् माम् वेति तत्त्वतः पढ़िए पढ़िए जिनको पढ़ना पड़े मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चित् माम् वेति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् प्रयास करना और अच्छे से आप इस प्रभु ओके मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये यतामापि सिद्धानां कश्चित्तमं वेति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये यत्तामाम् अपि सिद्धानां कश्चित् माम् वेति तत्त्वतः और कोई मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये यतामापि सिद्धानां कश्चित् माम् वेति तत्त्वतः गुड बहुत अच्छा ओके हम लोग चलेंगे तात्पर्य मनुष्याणां मनुष्यों समझो शब्द मनुष्याणां मनुष्यों में से सहस्रेषु हजारों कश्चित् कोई एक यत्ति प्रयत्न करता है सिद्धये सिद्धि के लिए यत्ताम इस प्रकार प्रयत्न करने वाले अपि निसंदेह सिद्धि नाम सिद्ध लोगों में से कश्चित् कोई एक माम मुझको वेति जानता है तत्वतः वास्तव में अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति येशु भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण अक्षय भक्तों का स्वागत करते हैं श्री प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं क्या कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है श्री प्रभुपाद की जय बहुत ज्यादा टफ नहीं है आप इसे समझ पा रहे होंगे क्या कह रहे हैं मनुष्याणां सहस्रेषु है ना मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये मतलब हजारों मनुष्यों में से मनुष्याणां सहस्रेषु हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है ना क्या करता है कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये और बाकी लोग क्या करते हैं इस जगत में भोग के लिए प्रयास करते हैं है ना
बाकी लोग क्या करते हैं, इस जगत में भोग के लिए प्रयास करते हैं, और बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है, ठीक है ना। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करते हैं, बहुत कम। प्राय सभी लोग भोग के ऊपर ही भागना चाहते हैं, भोग कहाँ भोग मिलेगा, कहाँ अधिक से अधिक हम भोग कर पाएंगे, बस इसी चीज में ज्यादा पड़े रहते हैं, ठीक है। और जो मुख्य है वह मुख्य चीज क्या कर रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं। मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् एतति सिद्धः, ठीक है। अब यत्तामपि सिद्धानां कश्चित् माम् इति तत्वतः, जो इस प्रकार से यत्न कर रहे हैं उनमें से भी, देखिए खाली यत्न करना नहीं, यत्तामपि सिद्धानां कश्चित् माम् इति तत्वतः। पहले तो एक चीज देखिए कि आप अपने आप को बहुत मतलब लकी समझिए, भाग्यशाली समझिए, अथवा बहुत किस्मत वाला समझिए कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में से कोई इस प्रकार से भगवान को प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, सिद्धि के लिए क्या करता है, प्रयास करता है। यत्तामपि सिद्धानां कश्चित् माम् इति तत्वतः, जो इस प्रकार से यत्न कर रहा है उनमें से भी कोई विरला ही मुझे तत्व में जान सकता है। क्यों बताइए, क्विज है आपके लिए। बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं और उनमें से कोई बिरला ही मुझ कृष्ण को तत्व के रूप में जान पा रहे हैं, तत्व के रूप में समझ पा रहे हैं, क्यों बताइए। माया से फाइट में दे फेल प्रभु जी, आई थिंक दे कंप्लीटली सराउंडिंग देयर भक्ति टू लॉर्ड कृष्णा, दैट्स व्हाई दे कंप्लीटली बिलीव इन लॉर्ड कृष्णा एंड दे फॉलोइंग द परफेक्ट। कारण क्या हो सकता है और सोचिए कुछ, हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे। बताइए, बोलिए। संपूर्ण ज्ञान, क्या बोले क्या बोले, फिर से बोलिए एक बार, कौन सा ज्ञान? संपूर्ण ज्ञान। थोड़ा बहुत नजदीक है, थोड़ा बहुत नजदीक है, थोड़ा बहुत मिस कर रहे हैं। संपूर्ण ज्ञान एंड मींस शास्त्र ज्ञान, अभी भी मिस। पारंपरिक ज्ञान ना होने के वजह। यस यस यस, दैट इज द आंसर। पारंपरिक, परंपरा में ज्ञान नहीं है, है ना, परंपरा में ज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है, तो है कि श्रवण का अभाव। इसका पहला आंसर होगा श्रवण का अभाव, और दूसरा श्रवण कर भी रहे तो परंपरा में नहीं कर। अभी परंपरा में कर रहे हैं, आप ये चीज सोचिए, मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् एतति सिद्धः यत्तामपि सिद्धानां कश्चित् माम् इति तत्वतः, आप हजारों में से तो एक ही है ही, और वो विरला भी आप ही है, ध्यान रखिए। क्योंकि अब परंपरा में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद की परंपरा में क्या कर रहे हैं, ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, तो आप वह बिरला भी है और हजारों में से एक भी है, ठीक है। परंपरा में यदि ज्ञान नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाता, यदि परंपरा में है तो बड़ा आसानी से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, बड़ा आसानी से, एकदम इजिली, बहुत आसानी से। तो या तो श्रवण के अभाव से या फिर परंपरा में नहीं होने की वजह से ये सारे कारण हो सकते हैं। अनुवाद भी में लिख रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले इसमें से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता। एक विनोद की बात, कोई कह रहे थे कि वह डॉक्टर सही नहीं जो हजारों में से एक व्यक्ति को ठीक करे, या फिर हजारों एडमिशन ले कॉलेज में और कोई एक ही पास करे। बहुत लोग हैं जो चाहते हैं, समझ रहे हैं? बहुत लोग हैं जो चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, वो भगवान को नहीं जानते। नहीं तो आप देखिए इस संसार में कितने लोग लाल कपड़े पहन के घूम रहे हैं। आप कभी आ जाइए कुंभ मेला में, कोई गए कुंभ मेला यहां से? मैं तो नहीं गया। कोई व्यक्ति कुंभ मेला गया है? कुंभ मेला कोई गया है यहाँ से?
देखिए कितने लोग लाल कपड़े पहनकर आते हैं, पर भगवान कौन है उनसे पूछिए तो पता होता है क्या? बताइए वास्तविकता में। हाँ, या फिर हम अपने ही स्थान का एग्जांपल दें आपको, तो हम रहते हैं कहाँ पे? देवघर में, जो बाबा बैद्यनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग जहां पर है, वहां भी बहुत सारे लोग लाल कपड़े पहन के घूमते हैं। अथवा श्रावण महीने में बहुत सारे लोग आते हैं, जिस प्रकार से कुंभ मेला लगती है उस प्रकार से श्रावण मेला भी यहाँ लगती है, और लाखों लोग आते हैं। और उन लाखों लोगों में से हजारों लोग आते हैं जो सैफ्रॉन पहन के आते हैं, बड़े बड़े जटाजूट बढ़ा के आते हैं। आप उनसे पूछिए भगवान कौन है? परमात्मा ही तो भगवान है। भगवान निरंकार है, भगवान शून्य है, भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान फलाना बापू है, भगवान फलाना बाबा है। टोटल कंफ्यूज। फिर बताइए, प्रयासरत है वो, देखिए प्रयासरत है, लेकिन कहां गड़बड़ हो रही है? परंपरा में ज्ञान नहीं मिल रहा है उन्हें, परंपरा में वो प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, वो प्रॉब्लम में फंस जा रहे हैं। समझ रहे हैं वो क्या हो रहा है? फंस जा रहे हैं। क्वेश्चन, व्हाट विल बी एट द एंड? पूछ सकते हैं राजन प्रभु, कुछ क्वेश्चन है तो अभी कोई प्रॉब्लम है, कुछ अधि आ रहा है तो बाद में भी पूछ सकते हैं, अथवा जब मैं समय देता हूं उस समय भी आप बोल के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, परंपरा में नहीं रहने की वजह से व्यक्ति क्या होता है, भटक जाता है। फलाना बापू भगवान, फलाना बाबा भगवान, फलाना स्वामी भगवान, फलाना माई भगवान, बस फिर उसी में लगे रह जाते हैं, है ना। क्या होता है, फिर उसी से समय लगे रहते हैं। गीता भूषण टीका इसका बड़ा सुंदर है। आपसे श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उनके संबंध में यह ज्ञान दुर्लभ है, ऊंची और निम्न योनियों में स्थित असंख्य जीवों में से केवल कुछ को ही मानव जीवन प्राप्त होता है। देखिए बल्ली विद्याभूषण जी इसको किस प्रकार से ले रहे हैं कि आप देखिए कि अनेकों जीव हैं और उन जिनों में जीवों में से बहुत कम ही है ऐसे जिनको मानव जीवन प्राप्त होता है, और उन मानवों में से हजारों मनुष्यों में से जो मनुष्य शास्त्र के योग्य होते हैं उनमें से भी केवल कुछ ही होते हैं, न कि सभी। या सभी लोग शास्त्र पढ़ रहे? नहीं। सत्संग के द्वारा आत्मा और परमात्मा का दर्शन करने के लिए प्रयत्नशील कश्चित इतिति सिद्ध है, इसको यहां समझा रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस संसार में होते हैं और उनमें से कितनों की श्रद्धा शास्त्र में होती है, बताइए। शास्त्र की बात करें तो लोग बाइबल, लोग कुरान, लोग या फिर कोई फलाने बाबा ने ये बुक लिख दिया, फलाने बापू ने ये बुक लिख दिया, भले परंपरा में नहीं है। देखिए आचार्यों की बुक्स को, आचार्यों के द्वारा लिखी हुई परंपरागत आचार्यों के द्वारा लिखी हुई किताब को वैलिड माना मानते हैं, लेकिन जो परंपरा में नहीं है वो कुछ भी लिख दे रहे हैं, कुछ भी लिख दे। मुझे शमशान में ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे बाथरूम में ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे मैं सोया हुआ था ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं सोया हुआ था एकाएक ये आ गए, इन्होंने मुझे ज्ञान दे दिया। पता नहीं ऐसे कैसे आ जाते हैं ज्ञान में। तो या फिर लोग वही बाइबल पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, जो एक कैट धर्म है, क्या फायदा बताए। कितने लोग प्रमाणिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, कितने लोग भागवत पढ़ रहे हैं, कितने लोग गीता पढ़ रहे हैं, बताइए। अच्छा, क्या आपको पता था कि भागवत, श्रीमद भागवतम के कोई ऐसा ग्रंथ है पहले? बताइए बताइए। नहीं प्रभु जी। कितने लोगों को नहीं पता था, थोड़ा बताइए। तो एक दो तीन लोगों का तो हो गया। नहीं प्रभु जी। पांच, मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है कि श्रीमद भागवत। नो प्रभु। पता था? पता था प्रभु जी। नहीं पता था। देखिए बड़ी अजीब स्थिति है ना, कि हमें पता नहीं था कि श्रीमद भागवतम के कोई शास्त्र भी है। प्रभु जी पता तो था, बट किसी ने मतलब इस तरह से हमें ना बताया नहीं कि इस तरह से आप इसको अध्ययन कर सकते हो। इतना तो हमें बचपन से बताया जाता है कि हाँ भागवत जी है, पर हमें किसी ने ज्ञान मतलब इस तरह से पढ़ाया नहीं किसी ने। आप किस्मत बचपन से, नहीं तो लोगों को तो पता ही नहीं होता बचपन से कि भागवतम करके भी कोई ज्ञान है। और नहीं तो फिर क्या कर, श्रीमद भागवत और भगवत गीता में कंफ्यूज कर जाते हैं कि भागवत क्या है, गीता क्या है, बस कंफ्यूज कर जाते हैं।
ठीक है, तो ऐसे बहुत कम लोगों को ही पता होता है, और जो पता हो रहे वो बहुत किस्मत वाले हैं, ठीक है, तो पढ़ना चाहिए उसे, नहीं तो, और उसे परंपरा में पढ़ना चाहिए, नहीं तो लोग क्या होता है कि उपनिषद पढ़ लिए हैं, गीता पढ़ लिए हैं, पर पूछिए भगवान कृष्ण है या नहीं, अब बताइए क्या फायदा उसे पढ़कर, पूरे उपनिषद पढ़ लिए, पूरा गीता पढ़ लिए, भगवान कौन है नहीं पता अभी भी, आप समझ रहे हैं कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है ये, बताइए, उपनिषद पढ़ लिए हैं उसे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि मतलब भगवान कृष्ण है, क्योंकि परंपरा में नहीं। उदाहरण के लिए कोई चेक में यदि उस अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर होता है तो क्या होगा, वैलिड है, यदि वो अकाउंट होल्डर के जगह पे हमने सिग्नेचर कर दिया तो क्या होगा, चेक वही है, अमाउंट भी वही लिखा हुआ, बैंक का एड्रेस, एवरीथिंग सब कुछ लिखा हुआ है, खाली एक थोड़ा सा साइन मिस हो गया तो पूरा चेक बेकार हो जाता है, ठीक है, यही यही अंतर है परंपरा में और गैर परंपरा, एक शब्द एक वर्ड पूरे शास्त्र का मतलब बदल देता है, सर्वधर्मान परित्यज्यम मम बाबा शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्यम मम बापू शरणम व्रज, बात कहां बताए भगवान ने, या फिर सर्वधर्म, अरे भगवान तो यहाँ ये बता रहे हैं ना, भगवान ये नहीं बता रहे कि मेरी शरण में जाओ, भगवान के पीछे जो आत्मा है ना उसके शरण में जाओ, ये सब कहां से उत्पन्न होता है, जब आप परंपरा में ज्ञान नहीं ले रहे, एक शब्द पूरे शास्त्र का मतलब बदल देता है, वो ध्यान रखें, आप सुन भी ले तो आपको आत्म साक्षात्कार में रुचि नहीं, इन सब चीजों को सुन भी, ठीक है, एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति ने 35 भगवत गीता करा भागवत कथा कराए थे, कितने 35 भागवत गीता श्रीमद भागवत कथा कराने के बाद भी उसे यह नहीं पता था भगवान कौन है, आप समझ सकते, 35 कोई व्यक्ति 35 भगवत कथा करा रहा है और उसे यह पता नहीं कि भगवान कौन है, कितना बड़ा दुख का बात है, बहुत बड़ी दुख की बात है, इधर क्यों नहीं हो पाता है कि, और क्या कुछ कुछ लोग करते भी हैं भक्तों का संग और परंपरा में लेते भी हैं, तो फिर क्या होता है कि उधर घर पे गए उधर संस्कार टीवी भी चला दिए, अब संस्कार टीवी में कुछ निरंकारी बाबा लोग आ रहे हैं, कुछ शून्यवादी आ रहे हैं, तो उधर टीवी, अरे कितना सुंदर बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे, तो फिर मतलब वहां पे कंफ्यूज कर जाते हम लोग, कभी कभी कुछ व्यक्ति को करते कहते भी है कि अरे ये मत करिए, आप जानते हैं इसे करने से आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, तो क्या दिक्कत है, अच्छा तो है ना, अब आप चाहते हैं फिर से आप जन्म लेना, बताइए, तो मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति यहाँ पे गीता क्लास रेगुलर आ रहे हैं उनमें से ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवत मतलब फिर से इस संसार में आना चाहता होगा, बताइए कोई है आप में से, नहीं सर, नहीं प्रभु, कोई नहीं आना चाहेगा, ठीक है, और जो जिनको नहीं पता उनसे पूछिए तो कहेंगे क्या दिक्कत है, अच्छा तो है मनुष्य शरीर मिलेगा, लेकिन पता है लेने के लिए उसे मनुष्य शरीर लेने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसे पता है, जानते हो, 84 लाख योनियों में, आगे कहते हैं उन हजारों में जो आत्मा और परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है कोई एक ही मुझ कृष्ण को सत्यता में जान पाता है, तो यह अर्थ है, प्रपात कहते हैं यहाँ पे एक चीज को कि क्या यहाँ पे बलदेव विद्यासन जी लिख रहे हैं, उन हजारों में जो आत्मा और परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है कोई एक ही मुझ कृष्ण को सत्यता में जान पाता है, प्रपात कहते हैं कि हमको शुद्ध भक्त बनने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है, यदि मैं तुमको बता देता तो तुम कभी भक्ति में नहीं करते, अब भक्ति में आ गए हैं तो कितना भी समय लगे शुद्ध भक्त बनना ही है, भले कितना ही समय लगे हजारों या लाखों साल लग जाए परंतु शुद्ध भक्त बनना, देखिए यह बहुत सुंदर बता रहे श्रवण कितना जरूरी, भगवान बता रहे
है ना, जबने श्रवण किया तो अब मैंने कितना भी समय लग जाए लेकिन अब प्रभु हमें शुद्ध भक्त तो बनना ही है, बनना ये हमें पता चल गया। श्रवण यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यदि सर्व आज लोग क्या हो रहे हैं, छोटे से कार्य करके आ रहे हैं, छोटे से कार्य के लिए श्रवण हम छोड़ दे रहे हैं, श्रवण नहीं हो रहा है उनका। अब अर्जुन कहे प्रभु बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एक काम करता हूँ मैंने भी थोड़ा सा श्रवण कर लिया आपसे, अब थोड़ा सा रथ पीछे ले लो, मैं थोड़ा इन लोगों को मार लेता हूँ, फिर जब थक जाऊंगा तो फिर श्रवण करूंगा, या फिर प्रभु बहुत थक गया हूं मैं आज सो जाता हूँ कल श्रवण करूंगा, फिर इससे ही है क्या? हम सेवा से थक गए हैं अब सो जाते, आज सो जाते प्रभु कल ज्ञान लेंगे, आज बहुत थक गए थे प्रभु जी इसलिए क्लास में नहीं आ पाए, ये पता नहीं थक जाने से कैसे आप अटेंड नहीं कर पाते क्लास, ये तो मुझे नहीं समझ में आता, कोई थक गया हो व्यक्ति और क्लास कैसे अटेंड नहीं कर पा रहा है, क्लास तो अटेंड कर ही सकता है क्या, इसमें मेहनत लग रही है आप वहां सुन रहे हैं तो बताइए, आराम से वहां बैठे बैठे सुन रहे हैं, मैं तो मेहनत तो मेरे को ही लग रही है, थोड़ी बहुत मेहनत मुझे ही लग रही है, दूसरों को नहीं लग रही, तो बोल रहे आगे लिख रहे हैं इस शास्त्र में वर्णित पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग प्रयत्न करते हैं और उनमें से कुछ अपने को परमाणु चैतन्य आत्मा रूप में साक्षात्कार करके और फिर प्रदेश मात्र मेरे स्वांश परमात्मा का अनुभव करके, इसका अर्थ है कि मोक्ष का प्रयास करने वाले लोग अपने आप को समझ पाते हैं कि वह आत्मा है और अपने अंदर स्थित भगवान को ध्यान करके क्या होते हैं मोक्ष की प्राप्ति। आगे लिखते हैं परंतु वही व्यक्ति जो मेरे भक्तों का संग प्राप्त, बहुत सुंदर चीज लिख रहे हैं देखिएगा, परंतु वही व्यक्ति अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, इस दोनों को कंपेयर करिए, शास्त्र में वर्णित पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग प्रयत्न करते हैं और उनमें से कुछ कुछ परमाणु चैतन्य आत्मा के रूप में आत्मा के रूप में साक्षात्कार करके और फिर प्रादेश मात्र मेरे स्वांश परमात्मा का अनुभव करके मुक्त हो जाते हैं, वह मुक्त हो जाता है, आत्मा परमात्मा का भेद को समझता है और वह मुक्त हो जाता है, परंतु वही व्यक्ति जो मेरे भक्तों का संग प्राप्त करके मेरी भक्ति को प्राप्त होता है वह मुझको तत्वतः जान सकता है, कैसे जान सकता है, तत्वतः जान सकता है जैसा कि मैं हूं, अर्थात वह कृष्ण जो माता यशोदा का स्तनपान करते और अब तुम्हारे पार्थ सारथी भी है वह मुझे समझ, है ना, और वो कौन सा था, कौन सा श्लोक था जहां पे भगवान कहते हैं कि नेति मामेति शो अर्जुन त्यक्त्वादेहं पुनर्जन्मम नेति मामेति शो अर्जुन, पहला लाइन मुझे याद नहीं आ रहा है कि जन्म कर्म च मे देवेति तत्वतः त्यक्त्वादेहं पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन, है ना, जो व्यक्ति भगवान को तत्व से जानता है वह फिर क्या होता है, वापिस नहीं आता है, और वह तत्व से कौन भगवान को समझ सकता है, इस चीज को यहां पे क्लियर कर रहे हैं आप, श्रीमद् भगवद गीता के पांचवें अध्याय का था कि छठे अध्याय का था, पांचवें अध्याय का वह श्लोक है यहाँ पे कहते हैं भगवान, सातवां या आठवां श्लोक, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वादेहं पुनर्जन्म नेति मामेति शो अर्जुन, जन्म कर्म मेरा दिव्य है, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति तत्वतः, जो इस जानता है किससे, तत्व से, त्यक्त्वादेहं पुनर्जन्म वो अपने शरीर को त्यागता है, नेति मामेति शो अर्जुन उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, फिर वह क्या होता है, वो मेरे को प्राप्त करता है, लेकिन भगवान को तत्व से कौन समझ सकता है उसको यहाँ पे भगवान क्लियर कर रहे हैं, भगवान को तत्व से कौन समझ सकता है, वही व्यक्ति जो मेरे भक्तों का संग प्राप्त करके मेरी भक्ति को प्राप्त होता है वही मुझको तत्वतः समझ सकता है, है ना, जन्म कर्म चवे दिव्यम यो वेति तत्वतः उसे समझता है, भगवान बता रहे हैं यहाँ पे तत्वतः कौन समझ सकता है, जो मेरे, इसको ना एकदम दिमाग बजा लीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो बहुत महत्वपूर्ण है, है ना, भगवान वही पांचवें अध्याय में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिवम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वादेहं पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे तत्व से समझ लेता है वह कभी रिटर्न नहीं आता है, वह मेरे धाम को प्राप्त करता है, और भगवान को तत्व से कौन समझ सकता है उसको यहां बता रहे, वह व्यक्ति जो मेरे भक्तों का संग प्राप्त करके मेरी भक्ति को प्राप्त होता है वही मुझको तत्वतः जान सकता है जैसा कि मैं हूं और दूसरा कोई व्यक्ति, तत्व से मतलब
अभी क्लियर करेंगे। तत्वतः मतलब वह कृष्ण जो माता यशोदा का स्तन पान कर रहे हैं, जो अब तुम्हारे सारथी भी। समझ रहे हैं, परमात्मा को देखकर कोई कल्पना नहीं कर सकता कि वह परमात्मा यशोदा माँ के बेटे भी हैं, और यशोदा को कितना सुख प्राप्त हो रहा है कृष्ण को अपने स्तन का पान करा, उनकी सेवा करने। और कृष्ण और अर्जुन के बीच में कितना प्रेम है कि वह सारथी बन रहे हैं, इस बात को कोई दूसरा व्यक्ति परमात्मा का, ईश्वर का ध्यान, शून्य का ध्यान कर रहा है, वो नहीं समझ सकता। वह कौन समझ सकता है? शून्य का ध्यान करने वाला तो खैर उसकी तो मैं क्षमा चाहूंगा, उसका तो यूज ही नहीं हो सकता यहाँ पे। जो परमात्मा मतलब जो अष्टांग योग में जिनके विषय में बता रहे थे कि वह ध्यान कर रहा है अपने अंदर स्थित आत्मा, वह इस चीज को नहीं समझ सकता। वह कौन समझ सकता है? एक भक्त ही समझ पाए। और कब? जब वह प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेगा, तब। जब वह प्रेमा भक्ति करेगा तब, नहीं तो नहीं समझ। तत्व मतलब भगवान को तत्व से समझना, तत्वतः तत्व से समझना कि वही भगवान है और वही भगवान माता यशोदा के रूप, माता यशोदा के पुत्र भी है, वही भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में भी है, वही भगवान अपने मुख में ब्रह्मांड दर्शन करा रहे हैं, और वही भगवान माता यशोदा के डर से रो रहे हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं। ऐसा व्यक्ति मुझको अनंत अचिंत ऐश्वर्य से युक्त, ये पॉइंट समझ गए कि नहीं समझे आप लोग अभी जो हमने बताया? ये बोल सकते हैं यहाँ पे, समझे? क्लियर है ना सभी को? एक व्यक्ति बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? ये पॉइंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इसके ऊपर बार बार चर्चा। आगे लिख रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो उसको अनंत अचिंत ऐश्वर्य से युक्त सभी कारणों के कारण असंख्य कल्याण गुण की रत्न अथा सर्वज्ञता, सर्व ऐश्वर्यता और भक्तवत्सलता और पूर्ण ब्रह्म के रूप में अनुभव करता है। भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। क्या भगवान क्या है? अनंत है। अचिंत मतलब क्या होते? जिनका चिंतन भी करना मुश्किल है। ऐश्वर्य से युक्त है, सभी भगवान सड़ ऐश्वर्यों से युक्त है, सभी कारणों के कारण है, असंख्य कल्याण के गुण रत्न तथा सर्वज्ञता से भगवान है, ऐश्वर्यता है और भक्तवत्सलता है। ठीक है, भगवान के गुणों का अनुभव, और यह सब का अनुभव व्यक्ति कब कर सकता है? जब वह भक्ति करेगा, प्रेमा भक्ति करेगा, फिर समझ सकता है, नहीं तो नहीं। आगे लिख रहे हैं, इस संबंध में भगवान फिर कहेंगे कि महात्मा सु दुर्लभ, इसी अध्याय में आगे कहेंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ, देखिए सु दुर्लभ, दुर्लभ मतलब होता है कठिन, और सु दुर्लभ मतलब क्या होता है? बहुत कठिन, लेकिन नामुमकिन है ऐसा नहीं। भक्ति करना दुर्लभ है, थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्राप्त हो ही नहीं सकती भगवान की। प्राप्त हो सकती, तभी तो भगवान बता रहे हैं, प्रेम प्राप्त हो सकती तभी बता रहे, तो नहीं बताते, बस प्रयास करना हो, नहीं प्रयास करेंगे नहीं। भगवद गीता 7.19, और यह भी कि माम तू वेद न कश्यन, मुझे कोई नहीं जानता। भगवद्गीता 7.26, मैं सबको जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि वह भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है और वह भगवान को नहीं समझ पा। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। क्यों? लाखों में से एक ही कोई, हजारों में से एक ही कौन? क्यों? 999 व्यक्ति क्या कर रहा है? वो प्रभु सेंस ग्रेटिफिकेशन में बाकी सब, यस सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंसा हुआ है, समझ रहे? बहुत अच्छा, क्या कर रहे हैं 999 व्यक्ति? सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंसा हुआ है प्रभु, जरूरी है। वह क्या फंसा हुआ है? वह सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंसा हुआ। ठीक है, हजारों में से कोई एक ही होता है जो इसको क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं। पढ़िए।
सामान्यतः मानव आहार निंद्रा भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। बहुत सुंदर, ये बात तो आप जानते ही हैं, आपने देखा ही होगा अपने आसपास के लोगों को, देखिए क्या वो आहार मतलब भोजन, निद्रा सोना, भय मतलब अपनी संपत्ति की रक्षा करना, अपने जान की रक्षा करना, अपने पुत्रों की रक्षा करना और मतलब संतान उत्पन्न करना जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है, क्या इसके अलावा और कोई कुछ कार्य कर रहा है? आप बताइए मुझे, बताइए। नहीं कर रहा है। अब वो अधिक बोल रहे हैं प्रभु, अब मुझे ऐसे बोल रहे हैं, तो बीटेक भी कर रहा है क्यों मालूम है? इस ग्रेटिफिकेशन को और अच्छे से एंजॉय कर सके, है ना? जो खाना हम दाल राइस खा रहे हैं वो पिज्जा खा सके, वो बर्गर खा सके, है ना? जिस हम एक नॉर्मल गद्दे पर सो रहे हैं वह डनलॉप के गद्दे पे सो सके, इसलिए वह कर रहा है सेंस। फाइनली एम तो सेंस ग्रेटिफिकेशन है कि नहीं, आप बताइए। और तो और पूजा भी व्यक्ति इसलिए कर रहा है आज, भक्ति भी इसलिए कर रहा है कि उसे सेंस ग्रेटिफिकेशन में सपोर्ट मिले, राइट? और योग जिसके विषय में भगवान बार बार कह रहे हैं मुझे ध्यान करना है, मुझे ध्यान कर रहे हैं, योग तो खैर इसलिए ही कर रहे हैं कि हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन और मैं अच्छे से कर सकूं, हमारा हमारे सेंसेस और मजबूत हो जाए, है कि नहीं? इसके अलावा और कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है क्या? नो, नो वन इज डूइंग, सही बोल रहा हूं? ब्रिजेश प्रभु बैंक में नौकरी कर रहे हैं क्यों? पैसे कमाएंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा। क्या नाम शास्त्रेशु, आप उन मनुष्यों में से, हजारों मनुष्यों में से एक हैं जो भगवान के द्वारा इस प्रकार से दिए ज्ञान को और परंपरा में आकर श्रवण कर रहे हैं। तो आप एक हैं, मतलब बहुत, आप अपने आप को किस्मत वाला समझिए, बहुत किस्मत वाले हैं आज जितने भी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं ना, बहुत किस्मत वाले हैं आप लोग यहाँ पर, इस प्रकार से आप लोग मतलब अपने ज्ञान को जो है सो मतलब आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं और कहाँ पर आके परंपरा में ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं आप, परंपरा में ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक कथा यहाँ पे, व्यास देव के एक शिष्य थे जिन जैमिनी ऋषि, ठीक है, ये हजारों मनुष्यों में एक बात बताऊं मैं आपको, तो जैमिनी ऋषि अक्सर देखा करते थे कि मेरे गुरु जी बड़ी मेहनत किया करते हैं, बड़ी मेहनत किया करते हैं, किस चीज में, क्यों मेहनत करते हो? तो वो ये देखते थे कि हमारे गुरु जी जो है सो इसलिए मेहनत करते हैं कि क्या कर सके लोग, इसलिए गुरु जी मेहनत कर रहे थे, वह देखते हैं कि दिन रात वह शास्त्र को लिख रहे हैं, उन शास्त्रों को अच्छे से लिख रहे हैं, शास्त्रों के पीछे उन्होंने कहा बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन प्रश्न किया और देखे कह रहे इतना ये शास्त्र लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई प्रवचन सुनने के लिए तो आता नहीं है इनके पास, पता नहीं क्यों लिखते रहते हैं इतना दिन भर चुभी। तो उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज आप इतना मेहनत क्यों करते हो, कोई तो प्रवचन सुनने आपके पास आता नहीं है तो झूठ का दिन भर लगे रहते हो, एकदम एक पेन और पेपर लेके लगे रहते हो लिखने के लिए, क्या जरूरी है इतना लिखना, क्यों लिखते रहते हो इतना, है ना? उन्होंने पूछा कि लिखने की क्या जरूरत है, इतना क्यों लिखते रहते हो? तब पहले दिन व्यासदेव जी कुछ नहीं उत्तर नहीं दिया, दूसरे दिन भी उन्होंने प्रश्न किया, तीसरे दिन भी प्रश्न किया और तीसरे दिन व्यासदेव जी कहते जब कोई लाखों व्यक्ति में से एक भगवान के विषय में जिज्ञासा करेगा, भगवान के विषय में जानना चाहेगा तो वह कहां से जानेगा? यहीं से जानेगा, यहीं से वह ज्ञान प्राप्त, ठीक है? इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। यस वो पढ़ी आगे, हरे कृष्ण। गीता के प्रथम छह अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा परमात्मा तथा ज्ञान योग ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। मतलब कि किस प्रकार आत्मा शरीर से अलग है, आगे। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा गए हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं,
कृष्ण किनके द्वारा गए हैं, प्रश्न आपके लिए। गए मतलब जानना, जानने मतलब जाने जा सकते हैं। कृष्ण किनके द्वारा जाने जा सकते हैं? कृष्ण भगवान, जो प्रेमा भक्ति करते हैं, जो प्रेमा भक्ति करते हैं, मतलब जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है, कृष्ण भावनामृत, है ना, जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है उनके द्वारा, राइट, समझ रहे हैं? जो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं सिर्फ उनके द्वारा ही जाना जा सकता है, भगवान के जो भक्त हैं उनके द्वारा ही जाना जा सकता है। आगे पढ़िए। अन्य योगी निर्विशेष दंभ अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। क्यों यह सुगम है? देखिए, यह एक सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता कि पूरा जगत एक ही व्यक्ति से आया है, ठीक है, और वह इसको स्वीकार नहीं कर पाता है, और ये भी नहीं स्वीकार कर पाता है, यार पूरा जगत एक व्यक्ति से आया और वो व्यक्ति खत्म नहीं, उस प्रकार से वो स्वीकार नहीं कर। आगे। क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है, कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते, यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी यानी मायावादी शंकराचार्य ने अपनी गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। बहुत सुंदर। नारायण परो अव्यक्तात्, प्रभुपाद क्या कहते हैं, अव्यक्त से भी प्रो क्या है, प्रभुपाद जी इसको समझ। इस बात को शंकराचार्य जी ने कहा है कि कृष्ण भगवान है और कारणों के कारण है, लेकिन उनके शिष्य इस चीज को स्वीकार नहीं जानते इसको। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, सुना है आपने कभी? जी प्रभु। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते। बहुत सुंदर है ना ये, बहुत सुंदर है, और हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया है, बहुत ज्यादा अधिक चर्चा नहीं किया है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, शम प्राप्ते शन निहिते काले, नहीं नहीं रक्षित डो क्रिम करने, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते। मैं थोड़ी सी एक स्टोरी यदि आपको सुनाऊं इसके पीछे में, कैसे शंकराचार्य जी ने इसे रचा और क्या उनका तत्व है, क्या वो कहना चाहते हैं और लोग क्या स्वीकार कर लेते। वो काशी में थे, और काशी में ही थे ना, ये थोड़ा याद नहीं आ रहा है, या फिर मतलब एक स्थान मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ वो काशी में ही थे, और काशी में जब घूम रहे थे तो एक व्यक्ति को देखा उन्होंने, क्या कि एक व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति डुक्रिम करने, डुक्रिम करने, डुक्रिम करने, डुक्रिम करने, ऐसा करके कुछ याद कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, इसे करके कुछ वो याद कर रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति का क्या मतलब, बूढ़ा व्यक्ति नहीं था लेकिन मिडिल एज में था, और उसकी क्या इच्छा थी, वह क्या ऐसा कर रहा था मालूम है, उसने सोचा यार अभी तो मेरी उम्र थोड़ी सी कम हुई और मेरी हालत इतनी खराब हो गई है, पता नहीं मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर मैं अपना भरण पोषण कैसे करूंगा, अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। यह सोचकर उसने क्या सोचा, एक काम करता हूं, काशी ही था वह, एक काम करता हूँ, काशी में संस्कृत पढ़ने वाले बहुत लोग आते हैं, मैं संस्कृत का व्याकरण सीख लेता हूँ, संस्कृत का व्याकरण सीख लूंगा तो सभी लोग मेरे पास आएंगे, मैं पढ़ाऊंगा, उनसे धन लक्ष्मी लूंगा, और मैं आराम से अपनी जिंदगी को बूढ़े में, बुढ़ापे में बिता लूंगा। तो क्या कर रहे, डुक्रिम करने, डुक्रिम करने, डुक्रिम करने, ऐसा याद कर रहे थे, कुछ व्याकरण है डुक्रिम करने का, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। और उस समय सहसा वहां से शंकराचार्य जी को, जब उन्होंने यह देखा तो वो कहते हैं कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते,
तम प्राप्त निहित काल नाही नाही रक्षित डुक्रीम कर मूर्ख भज गोविंदम गोविंद को भजो गोविंद को भजो गोविंद को भजो हे मूढ़ मते हे मूर्ख आदमी गोविंद को भजो संप्राप्ते सन्निहिते काले नाही नाही रक्षित दुक्रिम कर रहे। जब तुम्हारी अंतिम अवस्था आ जाएगी ना तो ये जो डुक्रिम करने जप रहे हो ना ये तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाले, ये तुम्हारी लक्ष्मी या फिर ये जो धन है ना वो तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाले है। इसीलिए क्या करो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते हे मूर्ख व्यक्ति गोविंद को भजो गोविंद को भजो। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले व्यक्ति गोविंद को भजो गोविंद को भजो। क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती है। डुक्रिम करो डुक्रिम करने तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती है। लिख के दे दूं क्या कहीं पे? नहीं कर सकते तुम्हारी रक्षा। इसलिए क्या करो गोविंद को भजो गोविंद को मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते गोविंद को। ठीक है। अब उनके शिष्य लोग ये स्वीकार ही नहीं करते तो फिर उसमें हम लोग क्या कर सकते है ना। वो कहते हैं कि गोविंद उनके गुरु का नाम था। राधेश्याम प्रभु बताया कि फिर तो मुरारी भी बोल रहे हैं। वो मुरारी किन का नाम था? बस मुरारी मुरारी के विषय में बता दो फिर मुरारी किन का नाम है? तो खैर अलग बात है। मायावादी भाष्य सुन ले होए सर्वनाश। लेकिन जो शंकराचार्य है जो आदि शंकराचार्य है वह क्या कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। ठीक है आगे पढ़िए। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वर परमा कृष्ण कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ये बात कौन बोल रहे हैं? बस गोविंद ब्रह्मा जी यस सरिका माता जी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी मतलब कोई बुक से पढ़ के बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता दिस इज रिटन। हाँ हाँ ठीक है ये ब्रह्म संहिता से है लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ब्रह्मा जी ये ब्रह्म संहिता से पढ़ के बता रहे उसमें ब्रह्म संहिता प्रिंटेड हो गया था? नहीं प्रभु जी वो ब्रह्मा जी ने कि फिर वो ब्रह्म संहिता में आया। हाँ ब्रह्मा जी के ज्ञान प्रकाशित किए थे भगवान ने उसमें उससे उद्गम हुआ है ये। ये ब्रह्मा जी से उद्गम हुआ मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ब्रह्मा जी इसको कहाँ से बोल रहे हैं? जो ज्ञान प्राप्त जैसे बताया जन्म कर्म चवे दिव्यम या फिर मनुष्य नाम शास्त्री सुम आप गीता से बता रहे पढ़ के ब्रह्मा जी कहां से पढ़ के बता रहे? उनके हृदय से ये प्रकाशित हो रहा है कृष्णा दिस नॉलेज। सॉरी सुरजित प्रभु सुरजित प्रभु आप क्या कह रहे थे प्रभु जी? नहीं बता रहे हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम या वह कहीं से पढ़ कर रट कर या फिर समझ कर नहीं बता रहे वो अपनी अनुभूति बता रहे। अनुभूति मतलब समझते क्या क्या कहेंगे हम लोग अनुभूति को इंग्लिश में? एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बता एक्सपीरियंस कहेंगे ना कि और कुछ कहेंगे? एक्सपीरियंस फीलिंग्स। हाँ फीलिंग्स। हाँ फीलिंग्स भी कह सकते हैं। रियलाइजेशन यस रंजन कुमार सिंह बता रहे हैं रियलाइजेशन बता रहे हैं ब्रह्मा जी अपना रियलाइजेशन बता रहे हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम ब्रह्मा जी अपना रियलाइजेशन बता रहे सिर्फ रियलाइजेशन। तब तक तो कुछ लोग आधार कौन है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी संसार के प्रथम जीव है। जब ब्रह्मा जी बता रहे अनुमति से बता समझिए बढ़िए प्रभु आगे। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग चलते नहीं है
प्रभु जी परंपरा से उनको ज्ञान प्राप्त जो परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं है। और कुछ लोग ज्यादा होशियार होते हैं, तो ज्यादा जो होशियार लोग होते हैं ना उन्हें क्या, और ये सिर्फ हरे कृष्ण। एक किसी व्यक्ति का मैंने पढ़ा था कि इस्कॉन वाले इतने बड़े बड़े भक्त हैं लेकिन उनका मंत्र देखो इतना छोटा। पता नहीं कोई एक व्यक्ति ऐसे बता, मुझे बड़ा हंसी लगा कि कैसे पागल व्यक्ति है ये। तो इस प्रकार से उन्हें लगता, अरे हम जानकार व्यक्ति है, कुछ इरीम क्रीम प्रीम मतलब कुछ ऐसा मंत्र बोलेंगे जो बहुत टफ होगा, बहुत आदि होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लंबा चौड़ा होगा, वैसा मंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कैसा उच्चारण करेंगे। तो उन्हें भक्ति बड़ी सुगम लगती है और कहते हैं ये वैसा व्यक्ति करते हैं ना जो कोई नहीं कर सकता, मतलब ये मूर्खों के लिए। लेकिन समझते नहीं कि जो लोग व्यक्ति दूसरों को मूर्ख समझ रहे हैं वो खुद बहुत बड़े मूर्ख हैं। बड़ी अब कोई किसी के पास लिफ्ट है तो अब बताइए वो 100वें फ्लोर पे क्यों सीढ़ी से चढ़ के जाएगा। अरे मेरे शरीर में बहुत ताकत है, मैं जाऊंगा स्टेप चढ़ के जाऊंगा। तो इसको पागलपंथी कहा जाएगा ना, उसका यूज किसी और कार्य में करो, आप क्यों थका रहे हो उसे। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के मार्ग सुगम क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें प्रभु हर समय भगवान का अनुभूति करना होता, हर समय भगवान प्रभु इसमें हर समय माया हमें घेर लेती है। नरसिंह मेहता भी थे ना भाई, वो भी भक्ति थे, वो भी भक्त थे, उनके कितने करोड़ों मन में भी। देखिए यदि किसी को हाईवे मिल रहा है, पहली बात तो ये समझिए कि यदि किसी को हाईवे मिल रहा है तो खराब रोड में क्यों जाए, ठीक है। अब भक्ति कठिन क्यों है, हाईवे में क्यों नहीं जाना सकता। सब कुछ मेहनत करने को तैयार है, प्रणाम जप नहीं करेंगे, प्रसाद नहीं करेंगे खाएंगे, भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, गीता नहीं सुनेंगे, भागवत नहीं सुनेंगे, क्योंकि वह सत्य को स्वीकार नहीं कर। सत्य क्या है, कृष्ण सत्य है, राइट। सत्य सत्य को स्वीकार नहीं करते, भगवान सत्य है, वह कृष्ण है, ठीक है। और यहां पर हर एक चीज में हम लोग केंद्र में किसको रखते हैं, कृष्ण को। इस चीज को वो स्वीकार नहीं करना चाहते, वह वहां पर अपने आप को केंद्र में रखना चाहते हैं। आपको केंद्र में रखकर करना आसान है, लेकिन भगवान को केंद्र में रखकर करना मुश्किल। समझ रहे ना। बढ़िया आगे, भक्ति के ज्ञान में हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों द्वारा दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब मनगढ़ंत भक्ति बड़ी अच्छी लगती है। अरे प्रभु जी कभी भी जप कर लेता हूँ, कुछ भी जप कर लेता हूँ, एक मंत्र बना दिया मैंने ऐसा वैसा, अरे ऐसा करके जप कर लेता हूँ, लड्डू गोपाल को घर पे रखा हूँ, उनको कभी भी कुछ खिला देता हूँ, नहीं तो रूम में लॉक करके चला जाता हूँ, या फिर उन्हें या फिर ये कर देता हूँ या फिर वो कर देता हूँ, मनगढ़ंत मतलब कुछ भी कर लेता हूँ, कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया, समय मिला तो क्रिकेट देख लिया, समय मिला तो फिल्म देख लिया, समय मिला तो टीवी में सीरियल देख लिया, कुछ भी मिल गए थोड़ी भक्ति कर लेता हूँ करता है। और जानते हैं आपके मन को एक चीज पसंद नहीं, वो नाचते रहता है, नहीं कर सकते मनगढ़ंत भक्ति कर। विकृति भक्ति रसा में सिंधु में 1.2.109 में लिखते हैं क्या, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि विना एकांतिक हरेर भक्ति रुत्पात रुत्पता एव कल्पते। बहुत सुंदर है, पढ़िए। जो भगवत भक्ति जो उपनिषदों पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। बिल्कुल, मतलब जो परंपरा में नहीं है और वह कुछ भी भक्ति कर रहा है,
अभी तो लग रहा है कि वह बहुत सुंदर कर रहा है, देखो वो व्यक्ति को सब मानता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो बाद में उत्पात मचाएगा प्रभु, क्या करेगा वह उत्पात मचाएगा। और आज देख रहे हैं कि समाज में किस प्रकार से उत्पात मच रहा है, मच रहा है कि नहीं मच रहा है। मन बाबाओं की कहानियां पढ़ रहे हैं ना, आए दिन पढ़ रहे हैं। अब डेली न्यूज देखिए, कोई ना कोई मनगढ़ंत बाबा की कहानी अब समझ में आ जाएगा, जो परंपरा में नहीं है, जो प्रमाणिक नहीं है, उनकी ही कहानी आती है। कुछ भी करेंगे वो, किन्हीं को भी भगवान बना लिए, कोई भी मंत्र निकाल लिए, भगवान की मुंडी काट दिए, भगवान का हाथ काट दिए, एक सीधा सा बना दिए, ये भगवान है, भगवान की मुंडी है तो पूरा धड़ गायब कर दिए, ये भगवान है, आधा अधूरा मंत्र दे दिए, कुछ भी कर दिए, 10-15 मंत्र को जोड़े, थोड़ा इससे थोड़ा इससे थोड़ा उससे थोड़ा इससे, एक मंत्र बना, ए मंत्र का जप करो, ये 15 अक्षरी मंत्र हो गया। तो 15 मंत्रों को तोड़कर हमने ये मंत्र बनाया है, और तुम इसे जप करोगे ना तो 15 मंत्रों का तुम्हें फल मिलेगा। या फिर क्या करेंगे, देवी देवता लेंगे, उनका नाक, इनका आंख, इनका मुंह ले लिए, ये देखो ये 15 अक्षरी बाबा हो गए। क्यों भाई, ये 15 अक्षरी देवता है, क्योंकि इसमें 15 अलग अलग देवताओं के शरीर के अंग हमने यूज किया इसमें। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, बाद में वह समाज में उत्पात मचाते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए जो जो यहाँ पे बताया जा रहा है ना, कि वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों पुराणों था नारद पंचरत्न जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करते हैं। आज देखिए अर्चन विधि में, आप देखिए, मैं कुछ दिन पहले एक बार होती मतलब ऐसे कुछ कार्यक्रम था, तो फिर हम हमारे गांव में था, तो फिर मैं पहना हुआ था, तो फिर कुछ लोग ऐसे मजाक उड़ा रहे थे, ये धोती गमछा क्यों पहन लिए हो, देखो सब लोग जींस पहना हुआ है, पैंट पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, क्या ये पहन के पूजा नहीं होता। उन्होंने बताया कि देखिए भाई, आप नारद पंचरत्न की तरह से आप भगवान को सिला हुआ कपड़ा पहन के स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता बताओ? क्योंकि वह अशुद्ध होते हैं। और थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति अभिषेक करने के लिए गया, और वह जब अभिषेक कर रहा था, उसने जींस पहना था, तो बड़ा टाइट तरीके से बड़ा मुश्किल से बैठ पाया, और बैठते वक्त उनकी जो पांव की दिशा थी वह भगवान की ओर हो गई। तो हमने बताया कि यही देखो, यदि आप प्रमाणिक तरीके से पहनते, धोती कुर्ता पहनते, तो धोती में इतना स्पेस होता है कि हम अपने पांव को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी जींस पहने हैं, और आपका पांव का निर्देशन देखिए किधर हो रहा है, भगवान के प्रति, भगवान की तरफ। ये अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपराध हो रहा है। और यदि हम धोती पहने रहते तो हम अपने पांव को क्या कर सकते थे, कवर कर सकते हैं। तो जो भी है ना वो प्रमाणिक है, ऐसा मत सोचिए कि कुछ भी लिख दिया गया, नहीं, वो प्रमाण के साथ है, उसका कारण है। ये मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन सडनली भगवान की कृपा से मुझे ये चीज उस समय मेरे दिमाग में क्लिक किया कि देखिए, मैं धोती, ये व्यक्ति धोती पहना होता, जींस नहीं पहना होता, तो ये अपने पांव को आराम से कवर करके बैठ सकता। बड़ा मुश्किल से वो कभी टेढ़ा, कभी लेफ्ट राइट होकर अभिषेक कर रहा था, बड़ा अजीब लग रहा था मुझे। तो वह ऐसे लोग क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, समाज में अव्यवस्था आगे बढ़ते। ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी या परमात्मावेता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। बिल्कुल, हमने चर्चा किया, वह परमात्मा समझेंगे लेकिन भगवान नहीं समझ सकते, ठीक है, आगे। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुहायंती यत् सूर्य माम तु वेदा न कश्चन, भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ। और यदि कोई बड़े बड़े देवता मोहित हो गए, पता आपको, कामदेव, इंद्र, ओके, ब्रह्मा आल्सो, यस, एंड व्हाट अबाउट भोलेनाथ, ये तो मोहिनी रूप में, यस, मोहिनी रूप में, और वानासुर के उसमें भी भगवान भोलेनाथ मोहित हो गए थे, है ना, मोहिनी रूप में आकृष्ट हो गए, और वानासुर वानासुर ना वहां पे युद्ध करने लगे भगवान से ना, तो कोई भी मोहित हो जाता है। आगे भगवान सह महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा
तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक हो। केवल शुद्ध भक्ति ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के रूप कारण रूप में उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है। क्योंकि गुणों का हमने चर्चा किया, बिल्कुल, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म की वे पराकाष्ठा और केवल भक्त गण ही तत्वतः जान सकते हैं। अतः भक्ति रसायन सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्णा मादिना भवदे ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखे ही जिहिया दुसोमे वस्फूर्त्यादः। उन इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता। इंद्रिया हमारी क्या है? आदि है, हमने पूर्व में चर्चा की है, और इस इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते। किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्वों में प्रकाशित करते हैं। इस चीज का ध्यान दीजिए कि लोग कहते हैं कि हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं। ये बात सही है कि हम भगवान को समझ नहीं सकते, लेकिन जब भगवान अपने आप को समझाना चाहते हो तो क्या भगवान हम समझ सकते हैं? भगवान को समग्रता में जानने का यही है ना, यही है कि नहीं है? यही है, समग्रता में भगवान को जानने का अर्थ क्या है? यही चीज है कि हम क्या कर सकते हैं, वह और नहीं तो फिर क्या होगा? समझ समग्रता में जानने का अर्थ क्या है? ज्ञानम तेहम शुभिज्ञानम विदम वक्ष्याम अशेषता यद गत्वा न नेह भूय। उसके बाद क्या था? अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। वह व्यक्ति समझ सकता है समग्रता में क्या वो भगवान जितना उसे जनाना चाहे। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोग मूर्ति यशि भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय के तीसरे श्लोक का वर्णन एवं तात्पर्य कर सकते। जय श्री राधा माधव की, शिष्य माधव प्रभु की, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस सोनिया माता जी प्लीज। प्रभु जी, ऐसे है कि मैंने भगवत स्टार्ट की हुई है, पर भगवत मैं पढ़ रही हूँ पर मुझे समझ में बहुत कम आती है। भागवत में पढ़ रहे हैं? भागवत पुराण पढ़? हाँ जी। आपने उससे पहले भगवत गीता पढ़ लिया? नहीं, मैंने भगवत पहली बार शुरू की है, पर मैं इस्कॉन मंदिर है मेरे घर के पास ही, जलंधर में रहती हूँ, वहां मैं डेली जाती हूँ और माला जप करती हूँ, और मैं वहां पे भोग भी बनाती हूँ, जगन्नाथ भगवान जी का बनाती थी, अभी नहीं बना रही हूँ, अभी उनके ब्रह्मचारी प्रभु जी आ गए वृंदावन से तो वो ही बनाते हैं, पहले मैं सेवा कर रही थी वहां पे ठाकुर जी की, तो अभी तो नहीं कर रही हूँ, तो इसीलिए भगवत तो मैंने स्टार्ट की हुई है काफी टाइम से, पर मेरे को समझ नहीं आ रही है। ओके माधव जी, थोड़े स्टेप है ना? हाँ जी, होते हैं कि आपने भगवत गीता नहीं पढ़ा और डायरेक्ट यदि भागवत में हम जंप करते हैं तो कभी कभी हमें समझ नहीं। भागवत गीता छोटा जो 18 अध्याय वाला होता है ना, वो तो मैंने बहुत बार पढ़ी है, ये मैंने प्रभुपाद जी की भागवत शुरू की हुई है। भागवत शुरू की है या फिर गीता शुरू की है? हाँ जी, भागवत गीता शुरू की है या फिर श्रीमद भागवत पुराण शुरू किया? मैंने श्रीमद भागवत गीता शुरू की है। हाँ ठीक है, तो यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है आप हमारे साथ जुड़िए यहाँ पे क्लास में और उसे समझने का प्रयास करिए, आप समझ सकते हैं उसे धीरे धीरे करके। आप कहाँ से प्रभु जी? माधव जी, हम लोग इस विषय में पर्सनल बातें कर, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे यहाँ पे जुड़ सकते हैं, गूगल मीट पे आपको डायरेक्ट डेली लिंक मिल जाएगा, आप ऑलरेडी ग्रुप में है ना जहाँ से आपको मिला हुआ? हाँ जी। ठीक है, तो आप वहाँ से आप मेरे से बात कर सकते हैं, हमारा नंबर है यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ, बातें मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता दूंगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक, आप यहाँ पे क्लास ज्वाइन करिए और मेरे ख्याल से आज आप समझ गए होंगे जो हमने चर्चा किया है ना। हाँ जी। इस प्रकार से आप यहाँ एक एक श्लोक को समझ गए। और कोई प्रश्न?
और कोई क्वेश्चन जी? नहीं नहीं प्रभु जी। यस परविंदर सिंह। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आवाज ब्रेक हो रही है प्रभु, सिग्नल नहीं है शायद से। पूछता हूँ आपसे प्रभु, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा। अभी आ रही है आवाज प्रभु? यस 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 प्रभु प्लीज। हाँ प्रभु जी, मेरे ना दंडवत प्रणाम आपको, मेरी जिज्ञासा है। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु प्लीज। हाँ प्रभु जी, मेरी ना जिज्ञासा है कि ये है कि मैं मतलब पिछले 6-7 साल से इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और मेरी माला भी पूरी हो जाती है और लेक्चर्स भी मैं सुन लेता हूँ प्रभु जी, लेकिन धीरे धीरे ना मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे रिश्तों में बड़ी दिक्कत आ रही है प्रभु। इसमें मतलब रिश्तों में, मतलब जैसे मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं या मेरे जो संबंधियों के साथ रिश्ते हैं या मित्रों के साथ रिश्ते हैं, वो प्रभु जी धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, मैं क्या करूं प्रभु जी उसके लिए? प्रभु जी आप मैरिड हैं? हाँ जी प्रभु। प्रभु जी बेटर होगा मैं आप इस विषय में भी यदि आप मेरे से पर्सनल बात करें तो। ठीक है प्रभु, ठीक है। ऑलरेडी मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस विषय में बात कर सकते हैं। और देखिए हमें मैनेज करके चलना चाहिए थोड़ी बहुत, हमें ऐसा नहीं है। देखिए एक चीज़ देखिए, यदि सामने वाला भक्त नहीं है और यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाती है। अभी देखिए यदि कोई प्रभु जी डिवोटी है और माता जी भक्त नहीं है, अभी आप उनको उनको अपने स्थान पर रखिए, आप उनके स्थान पर रखिए कि वह भक्त होती और आप भक्त नहीं होते, और यदि वो आपके सामने बैठ कर 2 घंटे हरे कृष्णा करता तो कितना नहीं करता, आपको लगता नहीं पागल हो गया ये, या फिर आप अपने आप को बोलते मैं पागल हो रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत ऐसी सिचुएशन होती है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, दोनों को मिक्स करके चलना चाहिए कि हम या तो ये प्रयास करें कि फुल फैमिली डिवोटी हो, माता जी बच्चे सभी लोग डिवोटी हो, और फिर हमें प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे कि हम दोनों को मिला करके, ठीक है। और इस विषय में अधिक जानकारी में प्रभु आप मुझे प्रश्न व्यक्तिगत रूप से। हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का कोई प्रश्न आज के टॉपिक से? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। मेरा एक सवाल ये है कि हमें जब हम भगवान के दर्शन करते हैं या हम उनका कोई भी ऐसा गीत सुनते हैं तो जब रोना क्यों आता है? ये तो बहुत ज्यादा तो अच्छी बात है, ये भाव है भगवान के प्रति, फीलिंग्स आ रहे हैं। ये श्लोक प्रभुपाद कहते हैं कि कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा हो तो उस समय भी वह क्या होता है, कभी उनकी लीलाओं का दर्शन होता है, अथवा उन्हें जब वह एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है तो उनकी आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित होती है। लेकिन श्लोक प्रभुपाद कहते हैं कि उसको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, ये स्वतः तो ठीक है लेकिन जबरदस्ती नहीं करना, आ रहे हैं स्वतः तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, आज जब हम लौट रहे थे तो पूरी रास्ते मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा बहुत अपना कोई छूटा जा रहा है। अब भगवान के धाम को छोड़कर रिटर्न आ रहे हैं, ये क्यों नहीं सोच रहे आप? भगवान के उस धाम को, उस चीज को छोड़कर फिर से वही भौतिक धाम में आ रहे तो थोड़ी तकलीफ तो होती है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण सरोज माता जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे उन माता जी ने सवाल किया, मैं भजन वगैरह कुछ भी सुनती हूँ तो वो ही मेरे भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, और मुझे कई बार महसूस भी होता है कि जैसे भगवान हमारे पास ही हैं। वेरी नाइस। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी भक्ति में कमी है। ये लगना चाहिए, लगे कि हम तो पूर्ण हो गए तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, क्यों अदर डिवोटीज कैन लिव नाउ, नहीं रहने दीजिए ना प्रशांत प्रभु, प्रश्नों के उत्तर उन्हें प्रश्न नहीं तो हाँ, आदि किन्हीं को कुछ दिक्कत है तो वो जा सकते हैं,
और ये अच्छा माता जी, ये अच्छा भाव है ना ये। और ये नहीं लगना चाहिए कि हमारी भक्ति पूर्ण हो गई, ये कमी हमेशा लगती ही रहनी चाहिए। फिर तो यदि लगने लगे अरे तो पूर्ण भक्त हो गए हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो भगवान घबरा रहे धीरे धीरे। नहीं प्रभु जी वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं वो सुधारना चाहते हैं। माता जी के लिए हमें और सिंसियरली सिंसियरली क्या करना चाहिए कि हम उसके लिए भक्ति करें, और सिंसियरली हम नाम जप जब कर रहे हैं तो एकदम अपना संपूर्ण लगा दे नाम में, जब हम क्लास सुन रहे हैं तो एकदम अपना संपूर्ण लगा दे क्लास में, जब गीता पढ़ रहे हैं तो अपना संपूर्णता लगा दे कृष्ण क्लास में। कोशिश तो यही होती है लेकिन फिर भी पता ही है मन में कई विचार आ जाते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं माता जी, और ये प्रूव करता है कि आप भक्ति अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन भक्ति में देखिए असंतुष्टा महसूस हो रहा है कि हाँ थोड़ी बहुत कुछ भगवान से थोड़ी और सेवा से किया जा सकता था, सेवा किया जा सकता, तो इस प्रकार से आवे तो ये अच्छी बात है। ठीक है, ऑलरेडी सब कुछ कर दिया तो फिर गलत है। ठीक है, प्रयास करना चाहिए अपना सबसे बेस्ट देने। ओके, सिर्फ नाम जप ही करते रहें। यस माता जी, नाम जप करिए, भगवान की सेवा करिए, गीता क्लास में रहिए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। प्रभु जी माम तो वेदना कश्यन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्डिंग प्रभु जी? माम तो वेदना कश्यन भगवान कहते हैं कि कोई मुझे उस रूप में नहीं जान सकता जैसे मैं हूँ। ठीक है, माम तू वेदना कश्यन, और मैं तो अच्छी तरह से संस्कृत नहीं जानता माता जी, अभी इसको देखना पड़ेगा कि इस प्रॉपर शब्द का माम तू कृष्ण का क्या मतलब अर्थ हो रहा है, इसको मैं अच्छे से समझने के लिए मुझे समझना पड़ेगा। यहाँ पे भगवान कहते हैं मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसे मैं हूँ। क्यों नहीं जानता? क्योंकि वह भक्ति नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, माम तू वेदना कृष्ण, मैं इसके ऊपर देखता हूँ। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? इन बिफोर वर्ड आल्सो देयर ना महंती या सूर्याय एंड देयर इन सेकंड लाइन आल्सो माम तू वेदना कृष्ण। यस यस आई गॉट दैट। बोथ आर इज देयर, प्लीज एक्सप्लेन दिस वर्डिंग्स मीनिंग। नेक्स्ट टाइम आई विल डू माधव, आई विल ट्राई। ओके, मुह्यन्ति यत् सूर्या, भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वता नहीं जानता जैसे मैं हूँ। इस चीज को यहाँ पे श्लोक प्रपद लिख रहे हैं, लेकिन यदि आपको प्रॉपर वर्ड का प्रॉपर मीनिंग चाहिए तो उसके लिए संस्कृत देखना पड़ेगा। ऐसा जो हिंदी श्लोक प्रपद ने लिखा है बस हमने वही पढ़ा। भगवान कहते हैं इसका अर्थ यदि आप इस प्रकार से देखें तो यही है कि भगवान कहते हैं कि कोई भी, कश्यन का मतलब होता है कहना, ठीक है, कोई भी मुझे उस रूप में तत्व से नहीं जान सकता जैसा मैं हूं। ठीक है, ओके, अभी शब्दार्थ के साथ समझने के लिए इसे देखना पड़ेगा। I want to शब्दार्थ only प्रभु जी, already they give the meaning also, you can read before, but I want to this meaning in Sanskrit word is there. Give you माता जी, next time I'll give. It's okay. Any other questions? प्रभु जी भागवत का अल्टीमेट गोल क्या है? किसका? भागवत का अल्टीमेट गोल क्या है? भागवतम। हाँ। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति को प्राप्त करना। अच्छा। है ना? समझ रहे थोड़ा? श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय का 26वां श्लोक है माता जी, जो आप पूछ रहे ना माम तो वेदना कर्षण, ये सातवें अध्याय का 26वां श्लोक है। आप इसे अच्छे से शब्दार्थ के साथ पढ़ लीजिए।
ओके 7.26 भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदना कश्चित्। अर्जुन श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला सब कुछ वह सब कुछ जानता हूँ। मैं सिवस्त जीवों को भी जानता हूँ, कोई मुझे नहीं जान सकता। माम मतलब होता है मुझको, तू मतलब लेकिन, वेद मतलब जानता है, न मतलब नहीं, कश्चन मतलब। एक हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। तो क्या कोई व्यक्ति अगर जो मोक्ष के लिए, जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए अगर भक्ति कर रहा है, सिर्फ उसका स्वार्थ उद्देश्य है, तो क्या वो भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त कर पाएगा? ये डिपेंड है, यदि भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं अथवा कभी उनको भक्तों का संग प्राप्त हो गया तो फिर उसे मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे जी प्रभु? मतलब उसका उद्देश्य नहीं भी है तब भी उसे प्रेम प्राप्त होगा। बिल्कुल, यदि इस पर डिपेंड रहता है कि भगवान की इच्छा क्या कर रहे हैं, मतलब वह किस प्रकार से कर रहा है। यदि वह निस्वार्थ भाव से कर रहा है, यदि कुछ भी नहीं है, तब तो भगवान क्या करते हैं, उनके हृदय में ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। और यदि उन्हें शुद्ध गुरु पाने की इच्छा होती है तो भगवान शुद्ध गुरु की प्राप्ति कराते हैं और फिर वह भगवान की प्रेम भक्ति कर सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। इन पद्म पुराणम व्हाट दे डिस्क्राइब इन दैट पुराणम, इन पद्म पुराण व्हाट दे डिस्क्राइब। आदि जी, अलग अलग चीजों की पद्म पुराण में चर्चा है। अब पूरा पद्म पुराण देखना पड़ेगा कि उसपे क्या चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग चीजों का वर्णन होता है। कहीं कहीं पे पद्म पुराण मतलब कहीं कहीं पे भागवत की महिमा का वर्णन है, कहीं पे शिव जी, मेनली वह भी भगवान को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं और अलग अलग टॉपिक्स को रख रहे हैं। कहीं कहीं पे शिव जी पार्वती जी चर्चा कर रहे हैं, कहीं पे और कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेनली वह भगवान के विषय में ही चर्चा है। Means the Padma Puranam Vaishnavas dedicated. Yes, yes, you can read Padma Puran, okay? I have not read it yet, but आप पढ़ सकते हैं। ब्रह्म विवाद पुराण likely related to राधा रानी, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं, okay? प्रभु जी, है क्वेश्चन। Yes, Bridges Prabhu. क्वेश्चन पूछना है, बताना नहीं है ब्रजेश प्रभु अपने विषय में। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। भक्ति हमारी कुछ पाने की इच्छा थी हो तो भक्ति जेन्युइन कैसे होगी? देखिए, भक्ति में यदि हमें पमे कुछ पाने की इच्छा हो तो फिर भक्ति जेन्युइन कैसे हो, तो इसके लिए आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज भक्ति करने आए थे लेकिन वह शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे, इसके विषय में भगवान आगे बताएंगे, ध्यान रखिएगा। इस विषय में भगवान आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप उदाहरण के तौर पर देखिए ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज की क्या इच्छा थी कि वह एक राज्य की प्राप्ति करें जो उनके दादा से भी बड़े हो, लेकिन जब ये दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ तो वह क्या शुद्ध हो गए और उनकी इच्छा खत्म हो गई। भगवान की कृपा से वो इच्छाएं क्या होती है, खत्म हो जाती है। क्लियर ब्रिजेस प्रभु? भगवान की कृपा से वो खत्म हो जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम।